हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.19 दिस डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई, ये डी ई पैरेलल टू ए सी, ये वाली, ये है डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ, ये वाली डी एफ पैरेलल टू ए ई। प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, मतलब बी एफ अपॉन में दिस एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो देख लेते हैं इसको भी। देखो गिवन जो चीज़ है आपके, सबसे पहले ये लिख दो, गिवन क्या है आपके पास, डी ई पैरेलल टू ए सी है और डी एफ पैरेलल टू है ए ई, क्लियर। और टू प्रूव क्या करना है इसमें आपको, टू प्रूव करना है बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू में बी ई अपॉन में ई सी, ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले प्रूफ में एक ये ट्रायंगल कंसीडर करो। देखो दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं इसमें, जो भी लाइनें पैरेलल दे रखी हैं आपस में वो देख लो कि कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाली अगर मैं कंसीडर करूँ, ये डबल वाली, ठीक है, इसमें क्या था आपके पास, डी एफ पैरेलल टू ए ई था, ये डी एफ पैरेलल टू दिस ए ई था। तो अगर ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ मैं इसमें आपके पास बी ए ई कंसीडर करूँ, इन ट्रायंगल बी ए ई, बी ए ई अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो इसमें आपको गिवन है डी एफ पैरेलल टू ए ई, क्या है ये गिवन। तो अगर ये चीज़ गिवन है तो बाय बी पी टी आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो, साइड्स की रेशियो वो इक्वल होती हैं, ये तो आपको पता ही है। कैसे लिखेंगे हम उसको, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए कहाँ से आई है आपके पास, बाय बी पी टी, क्लियर। ऐसे ही अब दूसरा कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल है आपके पास अगर देखा जाए तो, बी ए सी, कौन सा ट्रायंगल है ये, बी ए सी ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, बी ए सी। तो बी ए सी अगर है ये, तो इसमें कैसे करेंगे बताओ जरा मुझे, पहले तो गिवन लिख लो, क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये क्या है गिवन। अगर ये चीज़ गिवन है तो आपके पास किस तरीके से लिख सकते हैं हम साइड्स की रेशो को, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये तो लिख दिया हमने बी डी अपॉन में डी ए, अब यहाँ पर क्या, कौन सी लाइन थी ये, डी ई वाली, यहाँ पॉइंट मीट कर रहा है, तो बी ई अपॉन में क्या आएगा, ई सी आएगा, बी ई अपॉन में ई सी आएगा, ये कहाँ से आया, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये वाली जो इक्वेशन थी इसको फर्स्ट मान लो आप, और इस वाली इक्वेशन को मान लो सेकंड, क्लियर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही बात है, सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक साइड इक्वल है देखो, बी डी बाई डी ए, इधर भी क्या है बी डी बाई डी ए, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी हो जाएगा, तो इसको ही लिखना है बस हमने, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू में बी ई बाई ई सी हो जाएगा, क्लियर। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी हमें, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो हैंस इजी है या नहीं है, देखो बार बार मैं यही बात कह रहा था आपको कि बीपीटी यूज हो रही है, बीपीटी जिसको समझ में आ गई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसे आ गए सारे क्वेश्चन ये, और एक कन्वर्स जिसको समझ में आ गया बस, फिर तो कुछ भी नहीं है ये एक्सरसाइज, ठीक है, ओके, थैंक यू।